अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर मैं चाहूं ना तो अभी जाके डॉक्टर साहब को सब बता सकती, आपका पर्दाफाश कर सकती, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं माँ बेटे के बीच में दूरियां बढ़ाने नहीं हूँ, बल्कि बाप बेटे के बीच में दूरियां कम करना चाहती हूँ। मुझे ये करने से ना कोई नहीं रोक सकता। आपको मारे से तकलीफ है ना, डॉक्टर साहब से तो नहीं, और जूनियर तो उनके साथ ही भाग रही है। जो खाई अपने उन लोगों के बीच में खोली है ना, उसे मैं भरूंगी। दूसरों की चीजें रखने का कोई शौक नहीं है मुझे। जेंटलमैन, ये गेम्स ना बहुत ही आसान है। इसमें दोनों टीम्स के मेंबर्स के पांव एक दूसरे से बंधे होंगे और उन्हें इस स्टिक से इस हॉर्स को तोड़कर अंदर से सारी चॉकलेट्स निकालनी होगी, और जो चॉकलेट्स निकालेगा वही विनर्स होगा। हाँ, ये कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया? अरे रुको जरा, थोड़ा ठहरो। एक्चुअली आपको हमने एक इम्पोर्टेंट बात तो बताई नहीं, वो ये है आपकी आंखों में पट्टी बंधी पड़ी होगी और आप घोड़े के पास नहीं, घोड़े से दूर खड़े होंगे, और ब्लाइंड फोल्डेड जो भी घोड़े के पास पहले पहुंचकर घोड़े को फोड़ेगा और सारे चॉकलेट्स निकाल लेगा वही विनर होगा। अब है इजी, ये हम नहीं खेलेंगे। और हम गिर गए, हमें चोट लग गई, हमारे पैर टूट गया तो नहीं, नहीं ये हमसे नहीं होगा। लेकिन हमें तो खेलना है ना भाभी साहब, ये खतरनाक गेम है। चोट लग सकती है? हाँ, पैर भी टूट सकता है। मना कर दो। चलो चलो। आप नहीं खेल सकते। क्यों? फिर इसमें पार्टनर चाहिए, इसमें पार्टनर। ये दीदी, ये खेलेंगे ना हमारे साथ, खेलोगे ना? आओ आओ आओ, देखो मिल गया पार्टनर। खेले तो खेले। अरे सच में कुछ नहीं दिख रहा। बेटा प्लीज मेरी तरफ आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा मेरी तरफ आओ प्लीज। नहीं पापा इधर चलो। तुम इतनी जिद करते हो, मैंने बोला ना मेरी तरफ आओ, मुझे पता है कहाँ जाना है। बेटा इधर आओ, पीछे पीछे पीछे। ओह नो, हम तो स्टेज के नीचे आ गए, हमें कैसे भी करके स्टेज पर जाना है। घोड़े से दूर जा रहे, क्या करें? हमें कुछ करना होगा।
विधि तुम ठीक तो? मेरा पैर। सुनो चलो विधि की आवाज सामने से आ रही है। कहाँ तुम? माँ क्या हुआ आपको? विधि ठीक तो? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप लोग कहीं और जा रहे थे और घोड़ा पीछे है। जाइए जल्दी, तोड़ दीजिए घोड़े को। माँ क्या हुआ आपको? जूनिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, वो मैं फिसल गई थी। हॉर्स बिल्कुल सामने ही है, कम ऑन गो फॉर इट। विनर्स है वंश, जीजू और जूनियर। ये पापा हम जीत गए। गुड जॉब का ना। साइलेंसिंग। ओके, सो नेक्स्ट राउंड्स में बच्चों पेशेंट्स को पेरेंट्स व्हाटएवर्स तो उन्हें ना इससे चिट्स उठानी होगी और इसमें जो भी वर्क्स लिखा होगा वो करना होगा। सो बताओ पहले कौन आएगा? हम आएंगे। हम हटो हम मत। उठाओ, चलो आप उठाओ। इजी वाली। ओके, ये वाली। डू अ कोऑर्डिनेटेड डांस। डांस हमें बहुत अच्छा आता है। भाभी साहब, पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ डांस करना होगा। ओके, और भी आसान है। चलो म्यूजिक। आप लोग जाके प्रैक्टिसिंग करो ना। अब चलिए। हाँ, तो अब बारी है जूनियर और वंश जीजू की। कम चलो। मुझे अपने माँ और पापा की शादी की फोटो ढूंढनी है, वो भी बिना उनकी हेल्प लिए। We'll be right back.
तो बहुत इजी टास्क है, मैं अभी आया। वक्त आ गया है कि जूनियर को यह पता चले कि उसके पापा ने मेरी बेटी के साथ पहले सात फेरे लिए थे। उसे पता चलना चाहिए कि विधि उसकी मां नहीं है बल्कि मेरी बेटी सिया है। के सूटकेस में देखो। मुझे किसी भी हाल में कॉम्पिटिशन जीतना है। मुझे मम्मी पापा का एल्बम ढूंढना ही होगा। तो कहीं नहीं है, क्या करूं, कहीं फोटो नहीं मिल रही। वहां ढूंढता हूं। अब देखती हूँ वो विधि अपने बच्चे को कैसे संभालती है। आज का तमाशा पूरी जिंदगी याद रखेगी वो। बहुत शौक था ना कंपटीशन में हिस्सा दिलवाने का। अब उक्त हूँ, ये राउंड तो वो हारे गई, उसका जो दिल टूटे गया उसका क्या, वो अलग। या तो कोई फोटो नहीं है मम्मी पापा की शादी की, क्या करूं, कार ढूंढूं। एल्बम तो मेरे सामने ही पड़ा था। माँ सही कहते हैं, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। नहीं, लेट हो गया तो राउंड हार जाऊंगा। अब तो खुश हो तुम? बेचारा कमरे में हमारी शादी की तस्वीरें ढूंढ रहा होगा। सोचो अगर उसे सिया और मेरी शादी की तस्वीरें मिल गई तो क्या होगा, उसका भरोसा ही टूट जाएगा। अरे वो तुम्हें अपनी माँ मानता है, और अगर उसे वो तस्वीर मिल गई तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे, ये कौन है ये। उसका दिल और भरोसा दोनों टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो सब कुछ मान बैठा है वो उसकी माँ है ही नहीं। पूरे स्टेप मैच होने चाहिए और हमारा एक भी स्टेप मैच नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम गेम हार जाएंगे। हार जाएंगे और क्या। हम तो हारना नहीं चाहते। आप हारना नहीं चाहते तो एक आइडिया है हमारे पास, आप मानेंगे हमारा कहना। अगर आप हारना नहीं चाहती हैं तो आपको दूसरों का गेम खराब करना होगा।
ये तो चीटिंग है। हाँ, अगर आप हमारा कहना मानेंगी तो हम आपको एक पिंक कलर की फ्रॉक लेकर देंगे। प्रिंसेस फ्रॉक? प्रिंसेस फ्रॉक, डील? मेरी और सिया की वेडिंग एल्बम है। बेटा रुको, मैं दिखा देता हूँ। अरे नहीं चीजू, चीजू अभी टास्क तो बच्चे का है, तो पेशेंस उसमें हेल्प नहीं कर सकते। व्हाटएवर्स जूनियर, ये लो तुम ही एल्बम्स खोल के दिखाओ। पापा चिल, मैं दिखा दूंगा। ओपन्स ओपन्स। काना, अगर तुमने एल्बम दिखा दी ना काना, तो तुम जीत जाओगे और हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए सॉरी नहीं दे सकते, तुम्हें नहीं दे सकते, तुम्हें नहीं मिलेगी। करुणा रुको, अरे करुणा रुको, ये चीटिंग है। करुणा नो चीटिंग। अरे हाँ चलो लम्बू अंकल। करुणा नो चीटिंग। करुणा से कहा था कि अगर हम सबका गेम बिगाड़ देंगे तो वो हमें नई वाली फ्रॉक लेके देंगी, प्रिंसेस फ्रॉक, वो भी पिंक कलर की। मैं फिर भी तुमसे बात नहीं करूंगा। पापा
तभी तो पिक्चर्स होगी ना। काय वो जल्दी बताइए ना। नहीं बेटा, कोई और पिक्चर नहीं है। इसका मतलब मैं सच में ये राउंड आ जाऊंगा। जूनियर, रोते नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जाके ये फोटो दिखा दो। आप दोनों की फोटो चाहिए साथ में, इसमें तो आप अकेली हो। अरे लेकिन है तुम्हारी शादी की तस्वीर ना, जाके यही दिखा दो। भगवान ऐसी माँ किसी दुश्मन को भी ना दे जो अपने बच्चे को सही संस्कार देने की जगह झूठ बोलना सिखा रही है। ये देखो मेरी मम्मी पापा की शादी की फोटो। जूनियर, हमें स्टूपिड समझा है। ये तो विधि की फोटो है, वो भी शादी के जोड़े में। वंशीजू की फोटो तो तूने चिपकाई है, ये सब नहीं चलेगा।